बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही आम चुनाव के लिए भी जोर लगाए हुए है। लगातार वो परिवर्तन कर रही है और इसी क्रम में उसने उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे उनको हटा करके अजय राय को ले आई है। अजय राय वो शख्सियत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं और जैसे ही वो अध्यक्ष बने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश आया और उन्होंने भी बिना देर लगाए ये ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी अगला चुनाव अमेठी से ही लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में वो हार गए थे और वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, वहां से वो चुनाव जीते थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें हराया था। इसके बाद ये महत्वपूर्ण ऐलान है, सुनिए अजय राय क्या कह रहे हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा। तो अजय राय यहीं नहीं रुके, वो आगे भी बोल रहे हैं कि यदि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती हैं या उत्तर प्रदेश के किसी कोने से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो पूरा समर्थन है, प्रियंका गांधी जहां से चाहे वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। बीच बीच में इस तरह की खबरें आती रहती है कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की 2019 में लॉन्चिंग हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले, तब आधा यूपी प्रियंका गांधी को दिया गया था और आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जबकि इस पार्टी में अब वो नहीं है, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उस समय भी ये सवाल उठे थे कि प्रियंका गांधी को ऐसे समय में लॉन्च क्यों किया गया, उसके लिए माहौल बनाया जाना चाहिए था, जो उनका कद है उस कद के हिसाब से उनकी लॉन्चिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा हो न सका। और एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है और ये खबरें आने लगी है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। राजनीति है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी गए थे और अब बात आ रही है प्रियंका गांधी की, लेकिन प्रियंका गांधी के जो समर्थक हैं, जो वेलविशर हैं, वो उन्हें रोक लेते हैं कि जोश में कभी राजनीति में होश नहीं खोया जाता है। बारा अब जो बात कर रहे थे हम, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के, कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया था, तो इस बार क्या स्थिति है स्मृति ईरानी को लेकर के। अब अजय राय जो कह रहे हैं वो जरा सुनिए स्मृति ईरानी को लेकर के। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहां गया, जनता को जवाब दे। कह रहे हैं कि 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, क्या हुआ? वो ये कहना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है अमेठी में माहौल बनने लगा है और इस बार जो है राहुल गांधी उन्हें हरा करके और वहां पे एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। सत्ता में आने से मतलब कि चुनाव वो जीतेंगे। देखने वाली बात यह है कि अजय राय ने जो कहा है उसके मुताबिक क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, क्या प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस क्या क्या रणनीति बनाती है उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, क्योंकि एक रायबरेली सीट को छोड़ करके उसके पास कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जो सुरक्षित हो, जहां से कि सोनिया गांधी सांसद है। इस पर हमारी नजर रहेगी, रहिए ब्रेक पर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।